अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। कफिलिंग दौरान गिदवाहा के लंबी रोड पर जैसे ही गैस सिलेंडर की ट्रली पहुंची तो सिलेंडर लेने वालों का जमघट लग गया। पिछले कई दिनों से गैस के इंतजार में बैठे लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कफिलिंग में सोशल डिस्टेंस रखने के लिए बनाए गए नियमों की पोल खुल गई, जबकि PCR पर गश्त करते मुलाजिमों ने पहुँच उनको हाथ जोड़कर कोरोना वायरस बारे जागरूक किया। जिसके बाद कर्फ्यू दौरान गिदवाहा के लंबी रोड पर जैसे ही गैस सिलेंडर की ट्रली पहुंची तो सिलेंडर लेने वालों का जमघट लग गया। पिछले कई दिनों से गैस के इंतजार में बैठे लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कर्फ्यू में सोशल डिस्टेंस रखने के लिए बनाए गए नियमों की पोल खुल गई, जबकि PCR पर गश्त करते मुलाजिमों ने पहुंच उनको हाथ जोड़कर कोरोना वायरस बारे जागरूक किया। जिसके बाद लोग लाइन बनाने लगे। इस मौके पर सिलेंडर वितरित कर रहे गैस कंपनी के कर्मचारी भी जसप्रीत सिंह का कहना था कि कोई उनकी नहीं सुन रहा, अब प्रशासन के आने पर लोग लाइन बनाने लगे हैं। केड़ी एजेंसी तो अभी ये तुहानू पता भी एक एक मीटर की दूरी रख के सिलेंडर लोगों को इकट्ठे नहीं करना सी, तुसी झुंड बनाई बैठे हो। घर घर दे विच जाके सिलेंडर देना जी, उही चीज डिलीवरी देना आए सीगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਸਟਮਰ ਦੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੈਣ ਬਣੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਾਰ 'ਚ ਖੜਤੋ, ਅਤੇ ਬਾਰ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾੜੋ, ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾੜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਤੋ ਇਸੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੇਂ।